मुनि सागर अभियान विश्व पर्यावरण दिवस के तहत सेठ आरसीएस कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय दुर्ग के एनसीसी कैडेटों ने नुक्कड़ नाटक पोस्टर बैनर के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया। 37वीं छत्तीसगढ़ बटालियन एनसीसी दुर्ग के कमान अधिकारी के निर्देशानुसार 30 मई से 5 जून तक पुनीत सागर व विश्व पर्यावरण दिवस के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सेठ आरसीएस कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के एनसीसी कैडेटों ने शहर के विभिन्न जगहों पर जाकर नुक्कड़ नाटक पोस्टर बैनर व नारेबाजी के माध्यम से दुर्ग शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों चौक चौराहे व टेम्पो स्टैंड गांधी प्रतिमा चौक दुर्ग के बस स्टैंड जैसी जगहों पर लोगों को पर्यावरण से संबंधित बातें बताकर शहर को स्वच्छ व सुंदर रखने जागरूक किया। साथ ही एनसीसी के कैडेटों द्वारा पुनीत सागर योजना की जानकारी दी गई, जिसमें हमें नदी में होने वाले प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, साथ ही पर्यावरण को कैसे स्वच्छ बनाए रखा जा सकता है, इसकी जानकारी उन्होंने दी और लोगों से अपील किया कि हो सके तो प्लास्टिक का उपयोग ना करें और यदि उपयोग करते हैं तो उसे सही तरीके से निगम के कूड़ेदान में डालें, जिससे उसको रिसाइकल करके पुनः उपयोग में लाया जा सके। कैडेटों ने प्लास्टिक के उपयोग से कैसे जल, मिट्टी व पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, इसकी भी जानकारी लोगों को दी। इस जागरूकता अभियान में मुख्य रूप से कैडेटों के सक्रिय योगदान के साथ ही कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय के एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट नीलेश कुमार तिवारी द्वारा संचालित किया गया। फिलहाल एनसीसी के कैडेटों ने पर्यावरण को बचाने के लिए एक अच्छा संदेश अपने माध्यम से दिया है। जरूरी होगा कि इस संदेश को हम अपने आत्मसात करके प्लास्टिक का प्रयोग बंद करें और अपने पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।